नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर चयन बोर्ड द्वारा जो है अभी जो है चार नई नोटिफिकेशन जो है जारी की गई हैं। तो कौन सी नोटिफिकेशन जारी की गई हैं, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। ले चलता हूँ मैं आपको नोटिफिकेशन फाइल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर चयन बोर्ड द्वारा जो पहली नोटिफिकेशन आज 31 मार्च 2021 को जारी की गई है वो है आपकी पोस्ट कोड 825 के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। तो इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के इस एग्ज़ाम को जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनमें जो ये कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है, दो पेज की नोटिफिकेशन है। 39 कैंडिडेट की ये लिस्ट है। इन 39 कैंडिडेट से कहा गया है कि वह अपने 3 दिन के अंदर जो है 10th+2 और बोनाफाइड हिमाचली 10th+2 जो है हिमाचल से पास होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट जो है वो HPSSC की इस मेल पर जो है सबमिट करवा दे, नहीं तो उनके जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपकी वो है आपकी रिजेक्शन लिस्ट। तो रिजेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट कोड 825 ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ फीस। तो नॉन रिसिप्ट फीस के कारण जो है वो 1000+ कैंडिडेट के जो है फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट का सीरियल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ कैंडिडेट और फादर हस्बैंड नेम दिया गया है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 1000+ कैंडिडेट की फॉर्म जो है रिजेक्ट हुई है। 22 पेज की ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद जो तीसरी नोटिफिकेशन है वो है आपकी पोस्ट कोड 881 के लिए जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो है वो RNP रूल जो है बताए गए हैं। इसका एग्ज़ाम 4/4/2021 को जो है मॉर्निंग सेशन में होने वाला है। तो अगर आप इन RNP रूल्स को पूरा करते हैं तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपकी वो है आपकी पोस्ट कोड 882 के लिए। इसका एग्ज़ाम जो है 18/4/2021 को मॉर्निंग सेशन में जो है होने वाला है। इसके लिए भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है के हिसाब से जो है RNP रूल्स जो है बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप जो है RNP रूल्स देख सकते हैं। अगर आप इन RNP रूल्स को पूरा करते हैं तभी जो है आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अभी की जो है HPSSC हमीरपुर चयन बोर्ड की ओर से जो है चार नई नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक अंकित वर्मा ऑल HP नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।